जिनको पसंद है सेडान गाड़ियां, मतलब बॉडी रोल नहीं होना चाहिए गाड़ी में। अब ज्यादा टॉल अगर एसयूवी होगी तो उसके अंदर बॉडी रोल ज्यादा हो जाएगा। अब ये कम हाइट वाली गाड़ी है, ज्यादा ऊंची नहीं है। इस गाड़ी का फायदा देख रहे हो, देखो ऐसी ऐसे खराब रोड है, देखो बैड रोड है, कैसे कैसे मक्खनों की तरह चल रही है। ग्राउंड क्लियरेंस एक गाड़ी की जब बढ़िया होती है ना, तो ड्राइवर को ना कॉन्फिडेंस आता है चलाने में कि हाँ भैया जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ग्रिप बहुत अच्छी बना लेती है गाड़ी, तो जब आप तेज चला रहे होते हो तो आपको ऐसे लगता है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है जैसे। और ऐसा नहीं है कि माय कंट्री मैराट पे हम 70 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी फीचर करते हैं आपके लिए। आपका बजट जैसा भी हो, आप हमारी वीडियो को अगर रेगुलरली देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हम आपके लिए कितना बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आते हैं और कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां लेके आते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय budmo.com। दोस्तों अगर आप किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट के लिए परेशान हो रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग विजिट कर सकते हैं www.budmo.com पे। अगर आपके पास इंडियन सेगमेंट की कार है या आपके पास लग्जरी सेगमेंट की कार है, तो आपको budmo.com पे मिलते हैं हर गाड़ी के स्पेयर पार्ट। नो मैटर पार्ट इंजन से रिलेटेड है, टायर से रिलेटेड है, या किसी से रिलेटेड आप पार्ट ढूंढना चाह रहे हैं स्पेयर पार्ट किसी भी गाड़ी का, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं www.budmo.com पे, क्योंकि budmo.com आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है पैन इंडिया। आपके डोर स्टेप पे आपका स्पेयर पार्ट डिलीवर हो जाता है विदाउट एनी टेंशन। और इसी के साथ साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं budmo की ऑफिशियल ऐप, जो कि एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर दोनों में है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री मैराट की आज ब्रांड न्यू वीडियो में और ब्रांड न्यू मौसम में, क्योंकि ब्रांड न्यू मौसम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और इस बेहतरीन मौसम में बेहतरीन गाड़ी लेके आना हमारा फर्ज है। तो आज हम आपके लिए कौन सी लेके आए हैं गाड़ी जो बहुत ही ज्यादा डिमांड में रहती है, जिसे हम कहते हैं GLC। और ये कोई नॉर्मल GLC नहीं है, इसे हम कहते हैं न्यू शेप की GLC 300D, जो की आती है डीजल के अंदर। सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि ये एक 4MATIC कार है, यानी 4x4 है ये कार, ऑल व्हील ड्राइव है। और इस गाड़ी की क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें माय कंट्री मैराट को, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग डील हम आपके लिए रोजाना लेके आते रहते हैं। तो अब शुरुआत करने लगे हैं इस ब्यूटीफुल कार की डिटेल के साथ। व्हाइट कलर में है, अवेलेबल है फॉर सेल, और जितनी भी हम आपको गाड़ी दिखाते हैं माय कंट्री मार्केट पे वो सारी होती हैं फॉर सेल। ये ब्यूटीफुल कार भी है फॉर सेल, यानी आप इसे खरीद सकते हैं, आपको शोरूम जाके वेटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये गाड़ी आपके लिए अवेलेबल है। और क्या मॉडल है, क्या डिटेल है, मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले कंडीशन समझाऊंगा गाड़ी की कि क्या कंडीशन है। आगे से हेडलैम्प्स की बात करें तो इसके अंदर अपने को मिलते हैं मल्टी बीम LED हेडलैम्प्स है, जिसमें L टाइप में आपको DRLs मिल जाते हैं, इसी के अंदर ही आपको इंडिकेटर भी दिखते हैं। क्रोम फिनिशिंग आपको नीचे बम्पर पे दिखती है, जो ग्रिल है उसके अंदर भी दिखती है, और ये एक डायमंड ग्रिल कहते हैं इसको, मर्सिडीज की जो आती है डिफॉल्ट, और ये यहाँ पे मर्सिडीज का बहुत बड़ा लोगो। और इसकी जो हाइट है वो मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं है और ज्यादा छोटी भी नहीं है, ये दो पर्पस को सॉल्व करती है। जिनको पसंद है सेडान गाड़ियां, मतलब बॉडी रोल नहीं होना चाहिए गाड़ी में। अब ज्यादा टॉल अगर SUV होगी तो उसके अंदर बॉडी रोल ज्यादा हो जाएगा। अब ये कम हाइट वाली गाड़ी है, ज्यादा ऊंची नहीं है, तो इसके अंदर बॉडी रोल उतना नहीं होता
होता है जितना और जो टॉल एसयूवी होती है उसके अंदर होता है। अगर मैं कंपेयर करूँ जो बड़ी वाली एसयूवीज आती है जैसे की GLE 43 AMG, तो उनके अंदर ज्यादा बॉडी रोल होता है एज कम्पेयर टू दिस कार। अब इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर लगे हुए 19 inches के स्टॉक अलॉय व्हील्स जो कि आप देख ही सकते हैं ब्लैक एंड सिल्वर टोन में आपको दिखते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और काफी अच्छी ग्रेस दे रहे हैं ये इस कार को। पीछे से बात करें ये कूपे शेप कार है क्योंकि इसे कहते हैं GLC 300D न्यू शेप कूपे शेप। तो जो आप शेप देख रहे हैं ना ये कर्व, इसे हम कूपे शेप कहते हैं। पीछे से वही सेम साइज, कोई स्टैगर्ड अलॉयज नहीं मिलता इसके अंदर, जो साइज आगे है वही साइज को पीछे मिलता है। पीछे भी आपको जो प्रोफाइल मिलती है वो मिलती है 235/55 R19। अब बात करें इसके बूट स्पेस की कि कितना बूट स्पेस है। एक ना सबसे बड़ा ना बस दिमाग खराब हो जाता है इस गाड़ी में ना, या मर्सिडीज की गाड़ियों में ये जो मोनोग्राम होते हैं निकल जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, सी हमेशा निकल जाता है। मतलब ये इस गाड़ी की बात नहीं है, मतलब आप मर्सिडीज की तकरीबन सारी गाड़ियों में देखना ये सी, तो इतना बैड लक है सी गायब हो जाता है पता नहीं कैसे। पता नहीं इसमें शायद ग्लू कम लगाते होंगे मर्सिडीज वाले, बाकी आई डोंट नो। पीछे से अगर मैं बूट स्पेस दिखाऊं दोस्तों आपको, तो इलेक्ट्रॉनिक बूट मिलता है आपने को जिसमें स्पेस की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं का मतलब है कि कोई भी कमी नहीं है। अगर मैं इधर ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे अपने को स्पेयर व्हील दिखता है गाड़ी के अंदर जो कि है डोनट टायर है, अलॉय नहीं है ये, और काफी अच्छी फिनिशिंग है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से ट्रे को लगा भी सकते हैं जैसे मैंने अभी इधर लगा दिया, और इनकेस अगर आपको नहीं जरूरत हो तो आप इधर ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दो बटन दिख रहे हैं जैसे इधर आप देख रहे हैं, तो ये किस चीज के बटन है, ये सीट को फोल्ड करने के बटन है। यहाँ पे यहाँ से इधर से ये फोल्ड हो जाएगी, तो आप खुद देखो अभी जो स्पेस है वो कितना ज्यादा बन गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक बूट है तो यहाँ पे जस्ट वन क्लिक और ये बंद। टेल लाइट देख लीजिए कितनी ज्यादा सुंदर, कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है ये टेल लाइट। फोरमैटिक है, फोरमैटिक मतलब ऑल व्हील ड्राइव है ये कार, पावर बहुत अच्छी मिलेगी इसमें आपको। पीछे से स्पेस की बात करूं दोस्तों तो वो देख लेते हैं, ये है जी कुछ स्पेस। कूपे शेप में ना थोड़ी सी डिसएडवांटेज क्या हो जाती है कि जो हेडरूम है वो कम होता चल जाता है, क्योंकि पीछे से ऐसे शेप में आ जाती है ना, तो थोड़ा टॉल बंदों के लिए दिक्कत हो जाती है, उनका सर टच होने की दिक्कत रहती है। बाकी इसके अंदर मैनुअल अपने को कर्टन मिल जाते हैं, और यहाँ पे तो ज्यादा कुछ ऐसा फैंसी इस दरवाजे में कुछ मिलता नहीं है अपने को। आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर दोस्तों, जिसमें अपने को 2 रियर AC वेंट्स भी मिलते हैं। बाकी डिसेंट है मेरे अकॉर्डिंगली, जो स्पेस है वो काफी डिसेंट है। और अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर आते हैं और कैसी है इसकी ड्राइव आई है। तो जिस हम गाड़ी में बैठे हुए हैं ये है मर्सिडीज GLC 300D, ये गाड़ी डीजल के अंदर है और ये लेटेस्ट कार है, 2020 मॉडल है और गाड़ी चली हुई है सिर्फ 21,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड जो कि मैं इस टाइम देख सकता हूँ। अब ये गाड़ी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ है तो इसके अंदर हर चीज बिल्कुल लेटेस्ट मिलती है आपको। बहुत बड़ा टैबलेट मिलता है यहाँ पे, और जिस टैबलेट को आप यहाँ पे इस टच पैड से कंट्रोल कर सकते हो बहुत इजीली, जिसके अंदर अपने को नेविगेशन दिख जाता है जो कि काफी अच्छा लगता है यहीं से देख के। 3D नेविगेशन हो जाती है एक तरह से। अगर हम और आगे चलते हैं तो इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग का भी अपने को ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 64 कलर दिखेंगे। और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये टच स्क्रीन है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस पैड से चलेगी, आप चाहें तो इसे ऐसे भी चला सकते हैं टच स्क्रीन, जैसे कोई टैबलेट चलाते हैं हम अपने घर में बिल्कुल वैसे ही चल सकती है। बाकी सनरूफ की बात करें तो इसके अंदर अपने को मिल जाता है बहुत ही शानदार सनरूफ, जिसकी जरूरत इस टाइम मुझे ज्यादा लग रही है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। अभी इसे बंद कर देते हैं। अब बात करें इसके स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग आप देख लीजिए दोस्तों, स्टीयरिंग पे आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। स्टीयरिंग पे आपको सारे कंट्रोल मिल जाते हैं जैसे कि टच कंट्रोल, आप चीजें को यहीं से मैनेज कर सकते हैं, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। इसके अंदर अगर हम देखें तो कॉकपिट नेविगेशन भी इसके अंदर अपने को मिल जाता है। देन साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसका जो स्पीडोमीटर है उसको आप चेंज कर सकते हैं, क्लासिक में, प्रोग्रेसिव में, स्पोर्ट्स में, तीन अपने को ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सारी चीजें आपको डिजिटली इसके अंदर दिखती हैं। मोड्स की बात करूं तो यहाँ से आप मोड्स चेक कर सकते हैं इसके, कम्फर्ट, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस एंड इंडिविजुअल, जो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। देन अगर इधर अगर हम बात करें तो ट्रैक्शन का आपको बटन मिल जाता है। देन रिवर्स कैमरा इसका दिखाता हूँ मैं आपको, इसका 360 आपको व्यू रिवर्स कैमरा मिल जाता है जिसकी क्लैरिटी माइंड ब्लोइंग है। अगर आप इधर क्लैरिटी देखोगे तो और भी आपको चारों तरफ के जो कैमरे हैं वो पता लग जाते हैं यहीं बैठे बैठे, बट 360 आउटस्टैंडिंग है इसका। अभी इसके अंदर एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमेशा से मैं गाड़ी में ढूंढता हूँ, जिसे हम कहते हैं एक वायरलेस चार्जर होना। तो इस गाड़ी के अंदर अपने को वायरलेस चार्जर मिलता है जो कि आप अपना फोन यहाँ रख के फोन चार्ज भी कर सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग हैज स्टार्टेड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की ड्राइव और देखते हैं कि चलने में कैसी है, फॉर्मेटिक कार आई है। दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी ड्राइव। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 360 कैमरा अपने को दिख गया है यहाँ पे। तो अभी जरा ना थोड़ा स्पोर्ट्स मोड चेक करना है मुझे इसका। स्पोर्ट्स पे कर दिया मैंने मीटर को भी, स्पोर्ट पे यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कॉकपिट नेविगेशन दिख रहा है। देन यहाँ पे मोड है अपने पास, तो हम स्पोर्ट्स प्लस पे चलते हैं इसको लेके। ड्राइव में कर लिया और इसका जरा थंप देखेंगे क्योंकि एक AMG मशीन तो नहीं है, 300D है, तो देखते हैं इसका जो पंच है वो कैसा आता है एक बार, मैं जरा चेक करना चाहता हूँ। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत अच्छी है, तो एक बार 1 2 3 गो।
अरे भाई ये बहुत तेज जा रही है दोस्तों, मैं लिटरली बता रहा हूँ। इस गाड़ी का फायदा देख रहे हो, ये देखो ऐसी जैसे खराब रोड है, देखो बैड रोड है, कैसे कैसे मक्खनों की तरह चल रही है। ग्राउंड क्लियरेंस एक गाड़ी की जब बढ़िया होती है ना, तो ड्राइवर को ना कॉन्फिडेंस आता है चलाने में कि हाँ भैया जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। अब ऐसे ही अभी शामी से एक बार रोड पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि रोड पे क्या चीज है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पोर्ट्स प्लस पे ही हूँ मैं, तो यहाँ पे इसे भगाऊंगा, ये देखना। अब बस चेक करना ठीक है, 1 2 3 को तो ये देखो, ये ज्यादा नहीं भगा रहा हूँ, इसे नॉर्मल तरीके से चला रहा हूँ। अभी 80 हो गई है, ये 90, तो बहुत स्मूथ है, बहुत बढ़िया लगती है इसकी ड्राइव चलने में, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन है इसका। चलाने में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है आपको, एक होता है फील होता है कॉन्फिडेंस, ये गाड़ी देती है कॉन्फिडेंस। रोड पे ग्रिप बहुत अच्छी बना लेती है गाड़ी, तो जब आप तेज चला रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। जैसे मेरे को AMG में बहुत ज़्यादा टाइम में लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल ही जा रही है भाई, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी चल रही है। और ये गाड़ी तो देखो चली भी बहुत कम है, तो बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी है। तकरीबन जैसे मैंने आपको मीटर पर दिखाया 21,000 किलोमीटर चल चुकी है, विद सर्विस रिकॉर्ड है, सारे फीचर ऐसे वर्किंग है जैसे नई गाड़ी की बात कर रहे हो। अब जरा इसे मोड़ते हैं कट पे, इंडिकेटर देते हैं और एक बार कटिंग देखना, स्टेयरिंग देखना कितना स्मूथ है। ये देखो राइट इंडिकेटर दिया, ये पूरी गाड़ी घूम गई। और ये एक बार फिर दोबारा से रेव करते हैं, इसको थोड़ा सा भगाते हैं, तो ये देखो भाई साहब मजा आता है, मतलब फील आता है, मतलब थंप आता है ना टक 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 करके, उसकी बात ही अलग है। मतलब 90-100 तो इसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, मजाक ही हो जाता है इसके लिए तो 90-100। तो इस गाड़ी को आप अपना बना सकते हैं, ब्लैक इंटीरियर है इसका, देखो बेज में ज्यादा प्रीमियम लगती है चीजें, ब्लैक में मेंटेनेंस थोड़ी कम होती है, बाकी गाड़ी बहुत ही ज्यादा शानदार है। आप इसे अपनी बना सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। और क्या प्राइस है इस गाड़ी का वो जानते हैं, इस गाड़ी से उतर के आइए। तो मज़ा आ गया इसकी ड्राइव लेके और टेस्टिंग करके कि भैया चलने में एक नंबर की है कार, 2020 मॉडल और 2020 की रजिस्ट्रेशन है इस गाड़ी की। मेरे यार गाड़ी है सिंगल ओनर, अंडर वारंटी है ये कार, यानी अभी कंपनी की जो स्टैंडर्ड वारंटी आती है वो भी इस गाड़ी में वैलिड है। और गाड़ी तकरीबन आप मान के चलो 81 लाख रुपए की आती है यही वाली गाड़ी, आपको मिलेगी 10 लाख रुपए से प्लस के डिस्काउंट में, क्योंकि इसका जो आस्किंग प्राइस है द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप पे वो है सिर्फ और सिर्फ 70 लाख रुपए, यानी 70 लाख रुपीज की है इस ब्यूटीफुल कार की डी। आप चाहें तो इसे अपना बना सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी है बिल्कुल माइंड ब्लोइंग कंडीशन में, क्योंकि चली भी ज्यादा नहीं है। हमें आप कैसे सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना लाल कलर का बटन दबा के, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग डील हम आपके लिए लेके आते रहें। और ऐसा नहीं है कि माई कंट्री मैरिट पे हम 70 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी फीचर करते हैं आपके लिए, आपका बजट जैसा भी हो, आप हमारी वीडियो को अगर रेगुलरली देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि हम आपके लिए कितना बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट लेके आते हैं और कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ लेके आते हैं, जिसमें 1 लाख रुपये की भी गाड़ी लेके आते हैं, 50,000 की भी लेके आते हैं, 5 करोड़ की भी लेके आते हैं, और हर तरह की वैरायटी आपको मिलती है। बट आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ कनेक्टेड रहे माय कंट्री मैरिट के साथ। और अगर इस गाड़ी की डील लेनी है या इसके अलावा भी कोई प्रीमियम गाड़ी की अगर आपको डील लेनी है, तो द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं प्रीमियम गाड़ी के। और अभी इनके स्टॉक में एक बहुत अच्छी गाड़ी आने वाली है, होपफुली हम जल्दी उस गाड़ी को फीचर करेंगे, और वो गाड़ी ऐसी होगी जो आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी, ऐसी गाड़ी हम फीचर करने वाले हैं। तो इसी नोट के साथ मैं लेता हूं अलविदा, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।